कोलकाता में लेडी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया अल्मी ने इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घेराव किया है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया अल्मी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपियों को बचा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रिंसिपल पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? पीड़ित बच्ची के माँ बाप को फोन पर यह बताया जाता है कि यह आत्महत्या है, सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। साजिया ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो एक महिला मुख्यमंत्री है, उनकी सबसे ज्यादा महिला सांसद है। इसके बाद पूरा देश यह सवाल पूछ रहा है, देश भर के डॉक्टर स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, इंसाफ कब होगा? से जो सबूत को लगातार नष्ट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है? किन लोगों का बचाव हो रहा है? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे छात्र का पूरा विरोध प्रदर्शन जो जगह जगह कर रहे हैं, परेशान हाल। और एक बच्ची को मैंने कहते हुए सुना कि मुझे मालूम नहीं मेरा वक्त कब आएगा, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। सोचिए साथियों, उनको भी कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकली प्रायोजित हैं। और अब बात करते हैं ममता, कहते अच्छा वही ममता दीदी और उनकी सारी सांसद और उनके जो बाकी जो घटक हैं इंडिया अलायंस के, क्या रवैया था जब रेप होता है किसी भाजपा शासित राज्य में? तब वो घटना बहुत बड़ी होती है, इंसानियत की उसमें भी मौत होती है, और होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, बिल्कुल होती है। लेकिन क्या आप ये देखकर बात करेंगी और मुंह खोलेंगी और महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करेंगी और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जब आप पहले देखेंगी कि कौन सा राज्य है, इस पे किसका शासन है? जो पीड़िता है, चाहे वो मृतक हो या जीवित हो, सर्वाइवर हो या विक्टिम हो, उसकी क्या जाति है, उसका क्या धर्म है, और जिसने उसको रेप किया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है, किस जात, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है? साथियों, आप सब लोग भूल जाइए कि भाजपा या कांग्रेस या टीएमसी की बात है, भूल जाइए कि हम लोग पत्रकार हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, भूल जाइए। सोचिए आप इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, कि उस माँ और बाप पर क्या गुजरी होगी उस दृश्य को देखकर जो उन्होंने देखा अपनी बेटी का। साथियों, निर्भय आंदोलन में 2012 में हम लोग सड़कों पर थे, बहुत ही तकलीफदेह वक्त था वो, लेकिन फौरन काम हुआ, कानून बदला गया, लेकिन मैंने कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा। हाथ सुने ही मैंने बहुत सारी बातें, मैंने देखा किस तरह से कन्नौज में जो वाकया हुआ है उसको लेकर बाकायदा जो जिस पर इल्जाम लगे हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको बचाने की क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, जिनको एक वक्त अखिलेश यादव के राज्य में मिनी सीएम भी अब कहा जाता था, इतना उनका दबदबा था। मैंने ये भी देखा कि अब देश प्रसाद जी के प्रिय साथी मोहित खान साहब, जिनके साथ उनके अनेक फोटोग्राफ्स हैं, उनके बारे में जब बात आती है और 12 साल की बच्ची के साथ ना सिर्फ बलात्कार बल्कि उसको गर्भवती जब बना दिया जाता है, उस पर उनको डराने धमकाने की कैसे बातें सामने आती हैं। और तो और, अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि पेटर्निटी टेस्ट होना चाहिए, यानी वो बच्ची झूठ बोल रही है, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। साथियों, ये है असली चरित्र इंडिया अलायंस का। मैं ये नहीं कह रही कि और राज्यों में सब कुछ सही है, बहुत ही अफसोस की बात है ये हो रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा एक राजनीतिक दल को, वो भी एक महिला होने के नाते, जो जिस तरह से और जिस बेशर्मी के साथ बाकायदा बलात्कारियों को, उन राक्षसों को लगातार बचाती आ रही है, ये पहला वाकया नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।